कैंट क्षेत्र के सदर इलाके में ट्रांसफार्मर में हुई शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। सदर मेन रोड स्थित काली मंदिर के पास गणेश चौक एक ट्रांसफार्मर में शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे आग लग गई। आग ने महज चंद मिनटों में ही करीब 4 से 5 दुकानों को अपने घेरे में ले लिया। बिजली से हुई शॉर्ट सर्किट की चिंगारी पास स्थित साइकिल दुकान तक पहुंची और उसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फायर अधिकारी ने बताया कि जिन दुकानों में आग लगी है उन दुकानों में क्षमता से अधिक सामान रखा हुआ था। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग तेजी से फैल रही थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची जो आग को काबू करने में सफल हुई। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।